बर्थडे ही खास है, बर्थडे खास है और मेरी फैमिली मेरे लिए इसे और ख़ास बना चुकी है, बना रही हैं, और ख़ास बनाने के लिए आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद यू गाइस, सो आई एम वेरी हैप्पी। स्कूल टाइम में बर्थडेज में जब हम टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते थे या चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो जो भी हमारे फेवरेट फ्रेंड्स होते थे, लाइक फेवरेट सेट ऑफ पीपल, उनको हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉफ़ी देते थे। अगर टॉफ़ी दे रहे हैं तो वो दो तीन दे देते थे, चार पांच दे देते थे, या किसी और का बर्थडे होता था हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमें पांच टॉफ़ी देगा, चार टॉफ़ी देगा। सो वो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। गिफ्ट तो मुझे दिया है मेरी मॉम ने, मेरे पापा ने, अभी उनसे गिफ्ट मुझे मिलेगा, बट उन लोग का यहाँ मेरे साथ होना ही मेरे लिए एक गिफ्ट है। हाय गाइस, दिस इज शिवांगी जोशी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन और हमेशा जोश से भरी शिवांगी जोशी जी आज हमारे साथ हैं और आज स्पेशल ये है कि उनका जन्मदिन है, तो आइए सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और बात करते हैं उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वंस अगेन, मतलब फिर से एक बार आपको बोलना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, और आपका इंट्रो काफ़ी कमाल था उसके लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो बताइए आज क्या है, मतलब खास आपके लिए बर्थडे? बर्थडे ही खास है, बर्थडे खास है और मेरी फैमिली मेरे लिए इसे और ख़ास बना चुकी है, बना रही हैं, और ख़ास बनाने के लिए आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद यू गाइस, सो आई एम वेरी हैप्पी। मैम, ऐसा कोई किस्सा आपको याद है जो आपके साथ बचपन में हुआ था और आपके लिए हमेशा यादगार है बर्थडे के दिन? इतना मुझे याद है कि स्कूल टाइम में बर्थडेज में जब हम टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते थे या चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो जो भी हमारे फेवरेट फ्रेंड्स होते थे, लाइक फेवरेट सेट ऑफ पीपल, उनको हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉफ़ी देते थे। अगर टॉफ़ी दे रहे हैं तो वो दो तीन दे देते थे, चार पांच दे देते थे, या किसी और का बर्थडे होता था हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमें पांच टॉफ़ी देगा, चार टॉफ़ी देगा। सो वो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मैम सबसे पहले मतलब स्पेशली हमारे लिए होते बर्थडे के दिन हमारे पेरेंट्स, मतलब स्पेशली मम्मी पापा होते हैं, तो इस बार आपके मम्मी पापा ने आपको ऐसा कुछ स्पेशली कुछ बोला या कुछ ऐसा गिफ्ट दिया हो? गिफ्ट तो मुझे दिया है मेरी मॉम ने, मेरे पापा ने, अभी उनसे गिफ्ट मुझे मिलेगा, बट उन लोग का यहाँ मेरे साथ होना ही मेरे लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि मेरे पापा और मेरी बहन देहरादून में रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क एंड माय फादर्स वर्क एंड एवरीथिंग। तो मेरा बर्थडे एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ होती है, तो वो अपने आप में मेरे लिए एक काफ़ी स्पेशल गिफ्ट है। हम हर साल हम बर्थडे में ट्राई करते कुछ ना कुछ नया करने का या कुछ ना कुछ हम एक रिवॉल्यूशन करते, तो आपने ऐसा कुछ सोचा इस बार बर्थडे में कुछ नया करने का या कुछ ऐसा कुछ ठाना हो? यार मुझे बस खुश रहना है और मुझे जेन्युइनली बहुत खुश रहना है, एक ये चीज़ सोची है मैंने। और दूसरी चीज़ की ये तो मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे अभी और मेहनत करनी है और अच्छा काम करना है। सॉरी हम आज आपका बर्थडे, तो आप हमारी स्पेशली ऑडियंस को जो आपको दिख रही है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, हमेशा इतना सपोर्ट किया है, तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बरकरार रखिए गाइज, एंड थैंक यू।